जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2023 के बारे में। बेसिकली ये आपका एडमिट कार्ड है नॉन टीचिंग की भर्ती का, जो कि आपकी 2021 के अंदर आई थी। इसमें आपके जो पद निकाले गए थे वो आपके 1145 निकाले गए थे। अब इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रोटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1145 पद पर यह भर्ती निकाली थी, जिसके फॉर्म आपने 23 मार्च 2021 से लेकर के 28 अप्रैल 2021 तक भरे थे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी वो आप यहां पर चेक करेंगे। इसके बाद में आप एग्जाम डेट नोटिस के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट का एग्जाम अभी होगा एंड कौन सी पोस्ट का एग्जाम किस डेट में होने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले कौन सी डेट रखी गई थी किस पोस्ट के लिए और अभी जो आपका एग्जाम होगा वो कौन सी डेट में होगा। ये आपकी पहले जो अनाउंस की गई थी डेट वो है एग्जाम की, और जो अभी आपकी करंट डेट है जिनमें आपका एग्जाम होने वाला है ये वो वाली है। अब यहां पर गाइज आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आप चेक एग्जाम सिटी डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली अभी आप यहां पर जो आपकी अलॉटमेंट सिटी है यानी कि किस सिटी के अंदर आपका एग्जाम होगा और किस डेट में होगा वो चेक करेंगे। एंड फिर जो भी आपके यहाँ पर एग्जाम डेट निकल के आएगी उस एग्जाम डेट के 2-3 दिन पहले से आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिला था। अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस करने वाले कि एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, वो हमसे खो गया है, क्योंकि 2021 की भर्ती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना फॉर्म गुम कर दिया है। अब उनके पास क्या विकल्प है एप्लीकेशन नंबर को प्राप्त करने का, तो वेबसाइट पर तो कोई भी ऐसा विकल्प ऑप्शन नहीं दिया है जिससे आप अपना एप्लीकेशन नंबर फॉरगोट कर सके। बट आपके पास एक यही विकल्प होगा कि जो आपको मैसेज आया था 2021 के अंदर फोन मैसेज, वो आप किसी तरीके से अगर खोज लेते हैं, वो भी काफी मुश्किल है, तो अगर खोज लेते हैं वहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल सकता है। या फिर जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की थी फॉर्म फिल करते समय, उस ईमेल के ऊपर भी आपको एप्लीकेशन नंबर सेंड किया गया होगा। तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, वहां पर आपको नॉन टीचिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ भी ऐसा सर्च करना है जिससे कि आपको पता चल सके कि इसकी तरफ से जो आपको मेल आई थी, अगर आप उसको ढूंढ पाते मेल को जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिली थी, तो वो आप यहां पर मेल ओपन करके एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो और यहां पर फिर फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर फॉरगोट कर सके। तो गाइज जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर ले किसी भी माध्यम से, तो आप यहां पर वो एंटर करेंगे जो DOB आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, वो DOB सेलेक्ट करेंगे, ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपके फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था, एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, आपका नेम देखने को मिलेगा, फादर नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम। तो जिस कैंडिडेट की ये इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट पर इसने अप्लाई किया था 18 मार्च 2023 को इनका एग्जाम है, और सिटी ऑफ एग्जाम है इनकी दिल्ली NCR। साथ ही बोला है कि दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर DURE 2021, दिस इज एडवांस इंटीमेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिटी टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट, द एडमिट कार्ड सेल बी इश्यूड लेटर, यानी कि आपका एडमिट कार्ड बाद में आएगा। तो बेसिकली एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले, जैसे कि 18 मार्च 2023 इनकी एग्जाम डेट है, तो 15 मार्च में इनका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको इसी लिंक को ओपन करना है, इसी लिंक से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और लिंक का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली अभी आप यहां पर देख लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, और फिर जो भी आपको यहां पर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम डेट देखने को मिल रही है उसके 3 दिन पहले से आकर के आपको इसी वेबसाइट पर इसी लिंक को ओपन करके इसी माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एंड जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, अगर आप चाहेंगे उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली बस आपको एडमिट कार्ड के अंदर जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो यही है कि एक तो आपका एडमिट कार्ड कलर में आपको प्रिंट कराना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का 1 ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो
तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी, एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। और दूसरा, आपको आपके एग्जाम सेंटर पर एक ओरिजिनल आईडी लेकर के जानी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और उसके अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि आपका नाम सेम होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल किया था। बेसिकली जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा तो वहाँ पर आपसे एक आईडी मांगी जाती है, तो जो भी आईडी आपने वहाँ पर भरी थी, चाहे वो आपका पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, तो वही आईडी अगर आप लेकर के जाएंगे एग्जाम सेंटर पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड के अंदर देखने को मिलेंगे, जब आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको पढ़ लेने हैं। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब गाइस, ये तो हुई आपके द्वारा खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी। अब अगर आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते तो आप कैसे कराएंगे? तो इसके लिए गाइस, जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है इस पोस्ट का, ये आपको एक बार फिर से ओपन करनी है और इसमें सबसे लास्ट में आना है, और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका नेम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ या फिर आपका जो इंटीमेशन स्लिप है वो सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर जो आपको जानकारी देनी है वो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है और वही यहाँ पर देनी है। एक तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और दूसरा आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको लिखना है DU नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट आती रहती है, तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि DU नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है। इसलिए आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही DU नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड भी लिख देना है, इससे मेरी समझ में जानकारी आपकी आ जाएगी। एंड एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ तो आपको देना ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो मैं भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। एंड जो माध्यम है एप्लीकेशन नंबर को फॉरगॉट करने के, वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बेसिकली जैसे ही आप ये जानकारी भरेंगे, आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे से जितनों का भी हो सके वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाए, क्योंकि आपने इतने काफ़ी टाइम से वेट किया है, मेहनत की है, तैयारी की है, तो अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड न करें और डाउनलोड न करने की वजह से आप यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो मिस कर दे तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ, और इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो गाइज, ये थी आपकी DU नॉन टीचिंग पोस्ट एडमिट कार्ड 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।